और बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, सचिन पायलट का बीजेपी पर निशाना। ये बड़ी जानकारी, सचिन पायलट ने बीजेपी पर जमकर साधा निशाना। सचिन पायलट ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, ये बड़ी और अहम जानकारी। उन्होंने कहा, बीजेपी किस बात की आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है? देश में पेट्रोल गैस के दाम आज आसमान छू रहे हैं और ये जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं। समझ नहीं आ रहा कि आखिर किस बात की जन आशीर्वाद यात्रा। महंगाई बढ़ी, इसके लिए आप आशीर्वाद मांग रहे हैं जनता से। तो सचिन पायलट ने बीजेपी पर जमकर साधा निशाना, जन आशीर्वाद यात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी की किस बात की आशीर्वाद यात्रा, समझ से परे। सचिन पायलट ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए जन आशीर्वाद यात्रा को ढोंग बताया। उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल के बाद दाम आज आसमान छू रहे हैं। इंडिया न्यूज के मंत्रिमंडल विस्तार के सवाल पर भी उन्होंने बातचीत की। आपको बता दें कि सचिन पायलट ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी किस बात की आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है, ये बात समझ से परे है। देश में पेट्रोल गैस के दाम आज आसमान छू रहे हैं और यहाँ आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है। इंडिया न्यूज के मंत्रिमंडल विस्तार के सवाल पर सचिन पायलट बोले। तो बड़ी और अहम जानकारी, आपको बता दें कि सचिन पायलट ने बीजेपी पर जमकर साधा निशाना। कहा, बीजेपी किस बात की जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है, ये बात समझ से परे है। आज पेट्रोल डीजल गैस सिलेंडर के भाव आसमान छू रहे हैं और ये जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं। देश में पेट्रोल गैस के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आपको बता दें कि इंडिया न्यूज के मंत्रिमंडल विस्तार पर पूछे गए सवाल पर सचिन पायलट ने जवाब दिया। तो सचिन पायलट ने बीजेपी पर निशाना साधा और इस दौरान उन्होंने बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी किस बात की जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है, ये बात समझ से परे। सचिन पायलट ने कहा कि महंगाई आज आसमान छू रही है और बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है। आपको बता दें कि इंडिया न्यूज ने मंत्रिमंडल विस्तार पर पूछे गए इस सवाल पर सचिन पायलट ने जवाब दिया। ऑक्सीजन की किल्लत आ गई थी, नौकरियां खत्म हो रही हैं, जो बंद हो रहे हैं, उनका ठप हो गई है और फिर आशीर्वाद मांग रहे हैं। लोगों को भ्रमित कर और ध्रुवीकरण कर राजनीति बीजेपी कर रही है। मैं समझता हूं देश के सामने अब वो बेनकाब हो चुके हैं। लगातार जो बड़ी बड़ी हमारी ऐसे धरोहर थी 70 साल से, जिनको सींचा था कांग्रेस पार्टी ने, लगातार ये केंद्र की सरकार उनकी नीलामी कर रही है, निजी हाथों में उन संपत्ति को दे रही है, चाहे पोर्ट्स हों, चाहे रेलवे हो, चाहे एयरलाइन हो, चाहे हवाई अड्डे हों, जो बड़ी संस्था थी, जो भारत के नागरिक की संपत्ति है, उसको लगातार जान पहचान के लोगों को अपनी सरकार कौड़े के दाम में देना चाह रही है। इसका विरोध कांग्रेस पार्टी कर रही है। मैं समझता हूँ आज जरूरत इस बात की है कि मध्यम वर्ग को, किसान, गरीब को सरकार को मदद करनी चाहिए, बजाय इसके कि चंद लोगों के हाथों में इस देश की संपत्ति को दे दिया।